नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। आज सभी जम्मू कश्मीर पंचायत सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सचिव, स्कूल शिक्षा निदेशक समग्र 6 से 9 महीने तक जम्मू कश्मीर के मौसमी शिक्षकों की कार्यवधि लागू करने की मांग की। अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। हमारा ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसकी तरफ से हम जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे जो सीजनल टीचर्स हैं, जो हमारे दूर दराज इलाकों से हमारे जो माइग्रेंट होते हैं लोग, अपने माल मवेशियों को लेकर और उनके साथ अपने बच्चों को भी लेकर जो है 6 महीने के लिए 7 महीने के लिए वो डोकों के अंदर जाते हैं अपर रेंजेस में, जहां पर ये सीजनल टीचर जो हैं बड़ी जान फशानी के साथ अपनी जिंदगियों को जो है वो ज़बरदस्त तरीके से नुकसान में डालकर, हम कह सकते हैं मतलब इतनी ज़बरदस्त वहाँ पर परेशानी होती है, स्नो होती है और बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर, लाइट का इंतज़ाम नहीं होता और हमारी वहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे जो हमारे सीजनल टीचर तैनात होते हैं वो वहाँ पर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और पिछले 15-16 साल से ये बड़ी जान परेशानी के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। और तमाम सरपंच डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से और खास तौर पे समग्रा डायरेक्टर से कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से 6 महीने से इनका पीरियड 9 महीने के लिए किया गया है, हम तो चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द ऐसी पॉलिसी बनाकर इनको परमानेंट कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कि अगर इनको 9 महीने के लिए ऑर्डर किया गवर्नमेंट ने, फौरी तौर पर समग्रा डायरेक्टर जो है वो उसको इंप्लीमेंट करें ताकि हमारे ये बच्चे जो है अच्छे तरीके से काम कर सके और डिप्रेशन से ये बाहर आ जाए। अगर ऐसा नहीं करती गवर्नमेंट या हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो इस जिम्मे में वो खुद जिम्मेदार होंगे, तमाम पंचायतों के लोग जो है वो सड़कों पर आएंगे और इनको अपना हक जो है वो दिलवा कर हम रहेंगे। जैसा कि आपने सिकंदर नूरानी साहब से सुना कि ये जो सीजनल टीचर हैं हमारे, ये बड़ी मेहनत से, दिल लगी से जो है वो काम कर रहे हैं। अरसा दराज से इनकी एक मांग थी कि इनको रेगुलराइज किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो है वो 7 महीने से बढ़ा के 3 महीने किए, 9 महीने किया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने 9 महीने एक पॉलिसी बना के उनको बढ़ाया है इस पीरियड को, तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये इन लोगों के साथ, इन नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील करूंगा कि इनको फौरी तौर पर जो है वो 9 महीने का ऑर्डर या उस पॉलिसी को जो है मुकम्मल करके इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए, जो लोग अपनी मेहनत मशक्कत से जो है वो दूर दूर दराज एरिया जहाँ से 4-4, 5-5, 10-10 घंटे जो है वो पैदल लग जाते हैं इनको अपने उस इंस्टीट्यूट में, उस स्कूल में जाने के लिए, इनके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए। अगर आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या देर करते हैं तो हम सब लोग, जितने भी पंचायत के नुमाइंदगान हैं या और जितने भी पॉलिटिकल हमारे लोग हैं, हम सब इनके साथ मिलके एक स्ट्राइक करेंगे, हम रोडों पे उतरेंगे और इनके, इनको जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए हम इनके साथ हैं। शुक्रिया।